कयामत के दिन जलील होने वाले लोग, बेनमाजी लोग, शिर्क करने वाले लोगों को अल्लाह जलील करेगा, दूर की गुमराही में पटक देगा। दूसरे लोग बेनमाजी लोग। हम समझते हैं हम कभी कभार नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह छोड़ डालता, जन्नत दे डालता। सुस्ती से नमाज पढ़ने वालों को वैल नमी जहन्नम में अल्लाह पटकेगा, याद रखना। अल्लज़ीना फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम है उन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराउन, जो अपनी नमाजों को रियाकारी के लिए पढ़ते हैं। मन में आया नमाज पढ़े, मन में आया छोड़ डाले, दिल बोले उठ को जाती, दिल बोले आराम से सो जाती। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से। एक मैक से दूसरे मैक से, एक मीनारे से दूसरे मीनारे से, एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद से बार बार सुनाई देते रहता, नहीं जाता। सुस्ती बरतने वाले वैल नामी जहन्नम इन लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के मैदान के बारे में बयान करता है। उस कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐलान करने वाले से ऐलान कराएगा, ओ दुनिया वालों, तुम जिसके सजदे करते थे उसके पीछे चले जाओ, अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे खड़े हो जाओ।